Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. Today we are joined by Pakistani automotive royalty. This is the SUV king, the OG, the crossover that started it all, the Kia Sportage. तो ये किया स्पोर्टेज की फोर्थ जनरेशन है. ये 2019 की मिड में लॉन्च हुई थी पाकिस्तान के अंदर, एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो पाकिस्तान में CBU यूनिट ज़्यादा नहीं आए थे. बहुत जल्दी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन गाड़ी की शुरू कर दी थी, एंड दिस इज़ अ कार ऑफ अ लॉट ऑफ फर्स्ट्स इन पाकिस्तान. पहली गाड़ी जिसके अंदर 2000cc इंजन पाकिस्तान के अंदर जो प्रोड्यूस हुई है, 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली पहली गाड़ी, पैनोरामिक सनरूफ के साथ पहली गाड़ी. तो अ कार विद अ लॉट ऑफ फर्स्ट्स. पहली दफ़ा हमने कुछ फीचर्स जो एक लोकली प्रोड्यूस्ड SUV या एक लोकली प्रोड्यूस्ड गाड़ी के अंदर हमने जो देखी है, पहली दफ़ा कुछ ऑप्शंस जो इस गाड़ी के अंदर हमें आई हैं. स्पोर्टेज पाकिस्तान के अंदर फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों वेरिएंट्स के अंदर आई थी. दिस इज द ऑल व्हील ड्राइव वर्जन, दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन वर्जन. फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव के अंदर थोड़ा सा इक्विपमेंट का भी फर्क था. उसके बाद लेटर ऑन उन्होंने एक बेस वर्जन स्पोर्टेज अल्फा के नाम से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, राइट अबाउट द टाइम जब Hyundai अपनी ट्यूसॉन लेकर आ रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा ट्यूसॉन आ रही है उससे पहले एक लो प्राइस ऑफरिंग भी दे दें. तो दैट वाज आल्सो अ ह्यूज सक्सेस. इसने हमेशा मार्केट के अंदर है ना अपना फुट होल्ड रखा है. नए एंट्रेंस आए भी हैं तो उन्होंने प्राइस के तो इसके साथ कभी प्राइस पे भी कम्पीट नहीं कर सके, क्योंकि अल्फा इतनी लो प्राइस पे आती थी. तो दिस हैज ऑलवेज रिमेंड अ कॉन्स्टेंट. इवन दो अब जो नई चाइनीज़ SUVs आ गई हैं उनके अंदर इतनी ऑप्शंस हैं, इतनी ज़्यादा फीचर्स हैं, मगर दिस स्टिल स्टैंड्स आउट एंड इट स्टिल होल्ड्स इट्स मार्केट पोजीशन. तो एक बहुत अच्छी खूबी इस गाड़ी की ये थी कि जब फोर्थ जनरेशन इंटरनेशनल मार्केट्स में चल रही थी और हमें भी फोर्थ जनरेशन ही मिली है, अब 2022 में फिफ्थ जनरेशन आ गई है, मगर वो भी पाकिस्तान में फॉर इंट्रोड्यूस नहीं होगी. मगर मेरा ख्याल है 2023-24 तक होपफुली हमारे सड़कों पे हमें नई स्पोर्टेज नज़र आना शुरू हो जाए, ख़ास तौर पे नए कंपटीशन की वजह से. और एक बहुत अच्छे टाइमिंग पे बहुत अच्छी उन्होंने किया पाकिस्तान लकी मोटर्स ने एक ये गाड़ी इंट्रोड्यूस की थी, क्योंकि उन्होंने ये गाड़ी इतनी सेल ऑलरेडी कर चुके हैं 2019 के मिड से लेके अब 2021 आ गया, एंड दे स्टिल सेलिंग दीज कार्स वेरी ईजिली. तो देव मेड लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस कार. तो वी कैन होपफुली सी द न्यू वर्जन ऑफ द स्पोर्टेज वेरी सून, क्योंकि किया मेरा नहीं ख्याल अपनी जो मार्केट लीडरशिप जो है मार्केट के अंदर वो इतनी आराम से छोड़ना चाहे. तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर आर कार मार्केट. कुछ गाड़ी की स्टाइलिंग के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले यू आर ड्रॉन टुवर्ड्स द हेडलाइट्स, क्योंकि इसका बड़ा खूबसूरत DRL इसके जो लाइट है इसका क्लस्टर है. तो यहाँ पे आपको चार स्पॉट्स नज़र आते हैं जो कि आपके DRL के तौर पे काम करते हैं, और वही चार जो हैं वो आपको नीचे उसी पैटर्न के अंदर फॉग लाइट्स के अंदर नज़र आते हैं. बीच में हमारे पास बाई LED एक बल्ब है. तो बड़े खूबसूरत फ्रंट एंड इसकी हेडलाइट्स हैं. ग्रिल बड़ी डिस्टिंक्टिव, किया की अपनी डिस्टिंक्टिव ग्रिल है, वही इसके अंदर डिज़ाइन आया. अब थोड़ा बहुत मुख्तलिफ हो गया किया की ग्रिल का डिज़ाइन, मगर ये कि बड़ी डिस्टिंक्टिव सी इसकी शेप है. और यहाँ पर ऊपर हमारे पास किया का लोगो आ जाता है. ऑल ऑफ दिस इज़ ग्लॉसी ब्लैक प्लास्टिक. तो ये अगर वाइट के अंदर होती तो ये और ज़्यादा हमें नुमाया होता है. यहाँ पर छोटी एक क्रोम की स्ट्रिप है, एंड द ग्रिल हैज़ अ क्रोम सराउंड एज वेल. यहाँ पे फ्रंट पे हमें पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं. तो पीछे से भी गाड़ी की लुक्स बड़ी खूबसूरत हैं. जो ये हमें बीच में लाइट बार नज़र आ रही है, इवन दो इट लुक्स वेरी डिस्टिंक्टिव, ये ओरिजिनल नहीं है, ये किसी ने बाद में खुद करवाई हुई है. काश ये फैक्ट्री से खुद ही लाइट अप होती और ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटीग्रेट होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, मगर ये कि हमारे पास यहाँ पे लावा LEDs हैं. और इस जो ये ब्रेक लाइट क्लस्टर है, यहाँ पे आपको ना इंडिकेटर है ना ही रिवर्स लाइट है. रिवर्स लाइट और इंडिकेटर उन्होंने नीचे वाले बम्पर के अंदर दी हुई है. फार एंड पे जो है हमें इंडिकेटर्स मिलते हैं, और ये बीच में हमें रिवर्स लाइट्स मिलती हैं दोनों एंड्स पर. और जैसे मैंने पहले कई दफ़ा लोगों को कहा हुआ है कि मुझे किया की पॉलिसी बहुत अच्छी लगती है, कि मिनिमल बैजिंग, सिर्फ एक हमें किया का बैज नज़र आ रहा है, और यहाँ पे स्पोर्टेज, कोई मॉडल नेम नहीं, कोई कुछ नहीं यहाँ पे, और एक बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पे हमें अंडरस्टेटेड सा एक ऑल व्हील ड्राइव का एक बैज नज़र आता है. तो मिनिमल बैजिंग ऑन द एक्सटीरियर, जो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है. हमारे पास जो टेल गेट है वो इलेक्ट्रिक है, और काफ़ी मुनासिब हमारे पास यहाँ पे एक बूट स्पेस है. इसको जब हम ये कवर को उठाएं तो हमारे पास नीचे एक स्पेयर व्हील है, और एक ये प्रॉपर हमें फुल साइज एक स्पेयर व्हील है विद एन अलॉय रिम एज वेल, जो कि बहुत अच्छी फीचर है. आजकल का ज़माना ये है कि एक जो स्पेयर व्हील है वो एक फीचर बन चुका है. तो नो सिली टायर पंक्चर रिपेयर किट्स, यू हैव अ प्रॉपर फुल साइज स्पेयर. और यहाँ पर जब आपने टेल गेट को बंद करना हो तो आप सिंपली बटन को दबाएं और बंद हो जाती है.
तो दीज आर वेरी डिस्टिंक्टिव 18-inch रिम्स। जो स्पोर्टेज अल्फा है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो 17-inch रिम्स पे अंदर के ऊपर आती है और उसका साइज भी थोड़ा छोटा होता है। तो दिस कार इज पावर्ड बाय 2-liter इनलाइन 4 ड्यूल ओवरहेड कैम इंजन और 154 हॉर्स पावर है और तकरीबन 200 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है। तो रिलायबिलिटी भी इस गाड़ी का मैं एक पॉइंट कहूँगा, इस गाड़ी का एक बड़ा मेजर सेलिंग पॉइंट ये है कि उन्होंने जिस तरह चाइनीज़ ऑफरिंग्स जो आई हैं पाकिस्तान के अंदर उसके अंदर टर्बोचार्ज्ड इंजन्स हैं और डीसीटी ट्रांसमिशंस हैं, दोनों प्रॉब्लम एरियाज हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, मगर स्पोर्टेज के अंदर और ट्यूसॉन दोनों के अंदर हमें ये 2-liter नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है और हमें रेगुलर टॉर्क कन्वर्टर 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस मिलते हैं जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल हैं पाकिस्तान के हवाले से, मतलब ये बेहतर चीज़ें हैं। इट्स बीन क्वाइट अ फ्यू ईयर्स नाउ, तो 3-1 साल हो गए इस गाड़ी को पाकिस्तान के अंदर, इसके अंदर अभी हमें कोई मेजर फ्लॉ नहीं आया नज़र आया इंजन एंड ट्रांसमिशन के हवाले से। तो इस वजह से गाड़ी एक सक्सेस है और ये बिल्कुल कंटिन्यू भी करेगी अपने सक्सेस को। कूडोस टू किया, सबसे पहले एक मार्केट के अंदर वो ही आए क्रॉस ओवर मार्केट, उन्होंने असेस किया कि एक कमी थी मार्केट के अंदर और उन्होंने पूरी की है और दे हैवंट लुक्ड बैक सिंस। तो है ये कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर ही, मगर इसके अंदर उन्होंने हमें ऑल व्हील ड्राइव भी दिया हुआ है और इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस भी बड़ी मुनासिब है। तो क्रॉसओवर्स बेसिकली ऑन रोड व्हीकल्स ही होते हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर ये थोड़ा बहुत यू नो आप हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग इसके साथ कर सकते हैं, मतलब कच्चे रास्तों के ऊपर चलने के लिए दिस इज़ परफेक्ट आई वुड से। और मतलब किसी ने अपने गाँव शाँव जाना हो कच्चे रास्तों के लिए दिस इज़ आइडियल। पहले हर कोई करोला इस्तेमाल करता था और अब ये चीज़ जो है इसने उसको रिप्लेस किया। तो दिस वॉज अ वेरी ब्रेव मूव बाय किया और एक ज़बरदस्त मूव साबित हुई क्योंकि डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक कमी थी एक SUV के अंदर और प्राइस पॉइंट भी इतना ज़बरदस्त था कि 40-1 लाख के अराउंड हमें सिविक मिलती थी और 50-1 की हमें ये मिल गई। तो हर कोई बल्कि 50 से भी नीचे इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो जो इसका फ्रंट व्हील ड्राइव वर्जन है वो 48 लाख का था और ये मेरा ख्याल है 50-1 लाख या 51 लाख का लॉन्च हुआ था। तो मतलब परफेक्टली प्राइस्ड और थोड़ा सा आप ज़्यादा खर्च करें और आपको स्पोर्टेज मिल जाती है विच इज़ डेफिनेटली अ स्टेप अप फ्रॉम द सिविक एंड द करोला बोथ इन टर्म्स ऑफ लुक स्पेस प्रैक्टिकलिटी हर लिहाज से, इवन इंजन साइज भी हमें ज़्यादा मिल रहा था। और दूसरी बात एक प्रेस्टीज होती है और एवरीवन वांट्स अ क्रॉसओवर, सच्ची बात है। अगर आप कई किसी बंदे से बात करें तो SUVs आर ऑल द रेज, एवरीवन वांट्स अ जैक्ड अप व्हीकल, एवरीवन वांट्स द कमांडिंग हाई ड्राइविंग पोजीशन। तो दिस गिव्स इट एट अ वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस एंड दैट इज़ व्हाई इट वाज सच अ सक्सेस। तो रिसेंटली पाकिस्तान में सब गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, इस तरह स्पोर्टेज की भी हुई है। 44 लाख की पहले अल्फा होती थी, अब वो 47 की है। फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव की प्राइसेस मैं आपके सामने स्क्रीन पे अभी आ जाती हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। तो जब आप देखें ये वीडियो हो सकता है तब फिर बदल गई हो, मगर ये कि ये स्क्रीन के ऊपर आपके शो हो रही हैं कि गाड़ी की मॉडल्स की क्या प्राइसेस आजकल चल रही हैं। तो लेट्स क्लाइम इनसाइड। सबसे पहले हमारे पास कीलेस एंट्री है गाड़ी के अंदर आराम से बैठने के लिए। इंटीरियर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले जो एक कन्वीनियंस है कि फ्रंट जो ड्राइवर सीट है वो पावर ऑपरेटेड है एंड द पैसेंजर एज वेल। तो यहाँ पे हमारे नीचे कंट्रोल्स हैं तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, वेरी कन्वीनियंट। अगर हम स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी की बात करें, क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखता हूँ, क्योंकि मेरा कद भी कुछ लंबा है, कि गाड़ी के अंदर स्पेस मुनासिब होनी चाहिए। तो जब मैंने पहली दफ़ा स्पोर्टेज में बैठा सबसे मुझे ये चीज़ स्टैंड आउट यही की थी कि आई वॉज इवन कम्फर्टेबल इन द बैक सीट। तो यहाँ पर मैंने सीट अपने हिसाब से की है जहाँ पर मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ आराम से। तो अगली वाली सीट मेरे हिसाब से है और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बड़ा कंफर्टेबली यहाँ पे पीछे बैठा हुआ हूँ, मेरे घुटने पीछे नहीं लग रहे। एंड ये मतलब इसकी डायमेंशंस इस काबिल हैं कि यहाँ पर 3 adults एट अ पिंच बैठ सकते हैं, ये इस गाड़ी की बड़ी ज़बरदस्त एक खूबी है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक फुल पैनोरामिक सनरूफ है जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, शायद पाकिस्तान में मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन पहली गाड़ी है जिसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होती है जिसमें फुल पैनोरामिक सनरूफ हो। तो नाइस एरी कैबिन और ये इसका फ्रंट एंड जो है वो एक सनरूफ की तरफ काम करके और ये खुल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास बड़ी खूबसूरत रोशनी आ रही है इस वक्त अंदर। पीछे हमें 2 एयर वेंट्स दिए हुए हैं पिछले वाले पैसेंजर्स के लिए और यहाँ पे हमें नीचे एक 12 volt सॉकेट है ऑन द राइट और यहाँ पे हमारे पास एक USB सॉकेट है ऑन द लेफ्ट।
कुछ चीज़ें जो पॉइंट आउट करनी चाहिए इंटीरियर के अंदर जो इतनी मुझे नहीं पसंद आई, कि हमें फ्रंट डोर कार्ड्स के अंदर जो टॉप हाफ है उसके ऊपर हमें सॉफ्ट टच प्लास्टिक है यहाँ पर ऊपर नहीं है। ये देखिए कॉस्ट कटिंग कैसी कैसी भी होती है कि फ्रंट वाले हिस्से पे है सॉफ्ट टच, पीछे नहीं है। यहाँ पे नीचे हमें एक लेदर का उसी तरीके से पैड मिलता है जिस तरह आगे है, बाकी सारे ऑल हार्ड टच प्लास्टिक्स इन द बैक। तो अंदर बैठ के एक चीज़ का एहसास होता है कि अब कुछ कैबिन जो है हमारा उतना प्रीमियम नहीं अब लगता है, जिस तरह जब नई नई स्पोर्टेज आई थी तो दिस वाज द ओनली क्रॉसओवर इन द मार्केट। अब जो नई चाइनीज़ एसयूवीज आई हैं खासतौर पे MGHS और जो हैवल की जो नई गाड़ियां आई हैं, MG का बल्कि मैंने रिव्यू किया है वो आप ज़रूर यहाँ पे मैं लिंक छोड़ देता हूँ, आप उसको ज़रूर देखें। ख़ास तौर पे जो उसका इंटीरियर वाला पोर्शन है, क्योंकि वहाँ पे जो चाइनीज़ ऑफरिंग्स जो हैं वो स्पोर्टेज एंड इवन ट्यूसॉन दोनों से बहुत आगे हैं। तो यहाँ पे इंटीरियर की जो स्टाइलिंग है वो बहुत ही अंडरस्टेटेड है, नथिंग मच गोइंग ऑन एंड डेयर आई से इट अ लिटिल बिट बोरिंग। तो यहाँ पे हमें टॉप एंड पे सॉफ्ट टच प्लास्टिक मिलता है एंड यहाँ पे उसके अंदर उन्होंने एक इफेक्ट दिया हुआ है एक स्टिचिंग का, तो हमें बाकी जो क्रॉसओवर्स हैं MG के अंदर तो हमें एक्चुअल लेदर का एक पूरा पैड मिलता है और वही हमारे डोर कार्ड्स के ऊपर जाता है। तो डेफिनेटली अ स्टेप डाउन फ्रॉम द MG और द हैवल और इवन द प्रोटॉन, क्योंकि उसका भी बड़ा प्रीमियम कैबिन है। तो खैर, मगर ये नहीं कि किसी और भी एक इंटीरियर क्वालिटी में कम है, क्योंकि इट इज़ वेरी वेल स्क्रूड टुगेदर। तो अब कोरियन गाड़ियां वो नहीं है जो एक ज़माने में होती थी कि उनकी क्वालिटी जो है वो जापानीज गाड़ियों से कम है, तो इसकी तो जो पाकिस्तानी जापानीज ऑफरिंग है उसकी निस्बत तो इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। तो आपकी हर जो बटन और स्विचेज हैं एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी नाइस। अब ये 2020 मॉडल गाड़ी है जिसके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, कोई हमें यहाँ पे बटन्स कोई फेड हुए हुए कोई इस तरह की चीज़ नहीं नज़र आ रही, एवरीथिंग सीम्स as good as brand new। ठीक है, अभी ज़्यादा पुरानी गाड़ी भी नहीं है, मगर ये कि अगर क्वालिटी हल्की होती तो कहीं ना कहीं हमें वेयर एंड टेयर नज़र आ सकती थी, मगर दिस इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। अभी तक हमें कोई कलर भी कहीं पे फेड नहीं हुआ हुआ। थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं कि स्टाइलिंग जो इंटीरियर के जो सारा लेआउट है वो थोड़ा सा डेटेड हो गया है। अब हमें डेफिनेटली अब किया शुड थिंक अबाउट ब्रिंगिंग आउट द न्यू स्पोर्टेज सून, एक साल डेढ़ साल के अंदर हमें नई स्पोर्टेज मिल जानी चाहिए, क्योंकि अब ये वाला जो हिस्सा है ना, जो सेंटर स्टैक है यहाँ पे, दिस कार इज़ लुकिंग क्वाइट डेटेड, क्योंकि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बटन्स और आजकल सिंपल एक स्ट्रिप होती है ऑफ बटन्स जो कि आपके क्लाइमेट कंट्रोल्स के लिए होते हैं, बाकी सारा का सारा जो है वो स्क्रीन के अंदर इंटीग्रेट हुआ हुआ होता है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन भी एक वीक पॉइंट है किया के अंदर। देखिए इस गाड़ी के अंदर थोड़ी बहुत ऑफ रोड कैपेबिलिटी है, क्योंकि यू कैन लॉक द डिफरेंशियल एज वेल, जो सेंटर डिफ है वो आप इस गाड़ी का लॉक कर सकते हैं एंड वी हैव ए हिल डिसेंट कंट्रोल एज वेल। तो कुछ ऑफ रोड कैपेबिलिटी है इस गाड़ी के अंदर जो कि अच्छी चीज़ है एंड वी हैव ऑल व्हील ड्राइव एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी प्योरली ऑन रोड व्हीकल ही है, मतलब ऑफ रोड और कीचड़ और कच्चे इलाकों के लिए दिस वुड बी परफेक्ट। तो वेरी सिंपल टू टोन कैबिन, ब्लैक ओवर बेज, और यहाँ पे हमारे पास जो सीट है वो भी लेदर ही है, मगर देखें क्वालिटी का और जो फील है ना उसका काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि जो ये लेदर है ये काफ़ी ग्रेनी सा है। यहाँ पे उन्होंने बीच में परफोरेटेड हिस्से दिए हुए हैं उसकी थोड़ी सी ज़रा अप मार्केट फील लाने के लिए, मगर जो MG का जो लेदर है इट इज़ समथिंग एल्स, और हैवल का भी। तो मतलब आपको यहाँ पे पूरा लेदर के ग्रेन्स नज़र आते हैं, और एक मतलब हमारे यहाँ किसी भी SUV के अंदर रियल लेदर नहीं आता, मगर दिस डेफिनेटली फील्स आर्टिफिशियल एज वेल। मगर जो बाकी गाड़ियाँ हैं जो MG का है उसका तो वाकई बड़ा प्रीमियम लेदर लगता है, बहुत सॉफ्ट। दो यहाँ पे कप होल्डर्स हैं एंड फ्रंट पे हमें एक 12 वॉट का है और एक यहाँ पे हमारे पास USB सॉकेट है। नीचे हमारे क्लाइमेट कंट्रोल्स रोटरी डायल्स के साथ, तो मतलब आसान है, इजी टू यूज़ है, और यहाँ पे हमें मीडिया कंट्रोल्स भी कुछ दिए हुए हैं। स्टीयरिंग व्हील की तरफ आएँ तो वी हैव क्रूज कंट्रोल एंड ऑडियो कंट्रोल्स एज वेल, और हमारे पास ब्लूटूथ भी है, जो एक एडवांटेज स्पोर्टेज को है बाकी जो क्रॉसओवर्स जो चाइनीज़ हैं उनकी नस्बत ये किया का बैज है, क्योंकि एक ट्रस्ट भी है और एक काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो मतलब दे गेट अवे विद स्टफ एज वेल। क्योंकि इसके अंदर फीचर्स की कुछ कमी है गाड़ी के अंदर, हम जब यहाँ पे हमारे पास पुश स्टार्ट है जब हम गाड़ी को ऑन करते हैं तो आप नोटिस करेंगे दैट वी हैव नॉर्मल एनालॉग डायल्स एज वेल। बीच में हमें एक छोटी सी MID दी हुई है
जिसके अंदर आप मुख्तलिफ इसके फंक्शंस देख सकते हैं, मगर जैसे कि आप देख सकते हैं हमें कलर भी नहीं है ये MID। तो जब आप MG के साथ कंपेयर करें या हैवल के साथ कंपेयर करें तो उनकी तो कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। पूरी की पूरी हमें डिजिटल गेजेस मिलती हैं और जितनी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं तो स्पोर्टेज रियली लैग्स बिहाइंड ओवर हियर। तो जो हमारी ये सेंट्रल जो ये स्क्रीन है, दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड, सो किसी ने इसको बदल के एक एंड्रॉयड यूनिट लगाया हुआ है, जो कि इस गाड़ी का डेफिनेटली एक अकीलीज़ हील है इस गाड़ी का, क्योंकि जो इसका स्टैंडर्ड सिस्टम है उसके अंदर ज़्यादा ना फंक्शनैलिटी है और ना ही ज़्यादा फीचर्स है। स्टेयरिंग व्हील का जो लेदर कवर है वो मुझे पसंद आया, काफ़ी सॉफ्ट है, और यहाँ पे जो ट्रांसमिशन गेट है वो भी बड़ा अच्छा है। मगर वही चीज़ें आ जाती हैं कि अब आपने किसी ने हैवल H6 का वो ट्रांसमिशन गेट देखा है, हैवल का रिव्यू बड़ी जल्दी आएगा इंशाल्लाह चैनल के ऊपर, तो दे हैव रियली मूव्ड द गेम ऑन। तो यहाँ पे मुझे है ना थोड़ा सा ज़रा खटक रही है बात कि यार स्पोर्टेज के अंदर अब इट इज़ लैगिंग बिहाइंड द राइवल्स। एक और अच्छी फीचर ये है कि गाड़ी के अंदर ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर है। अगर आप इसकी ऑटो डिमिंग फंक्शन ऑन या ऑफ भी हम कर सकते हैं यहाँ पे नीचे बटन के साथ। एक और चीज़ जहाँ पे गाड़ी लैग करती है वो है सेफ्टी इक्विपमेंट। तो हमारे पास ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए फ्रंट एंड साइड एयरबैग्स तो हैं, मगर कोई कर्टन एयरबैग्स नहीं और हमारे पास कोई रेडार नहीं, यानी कोई एंटी कोलिजन सिस्टम नहीं, और उसी की वजह से मतलब गाड़ी का ना कोई अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि अगर हम आजकल के हिसाब से सेफ्टी फीचर्स देखें तो ये काफ़ी लैकिंग है। तो क्योंकि जापानीज तो छोटी हैचबैक के अंदर भी रेडार आता है, और जो स्पोर्टेज के मुकाबले में बाकी जो क्रॉसओवर्स जो भी नई आ रही हैं उनके अंदर सब के अंदर तकरीबन अडेप्टिव क्रूज है, सब के अंदर कुछ ना कुछ ऑटो ड्राइविंग फंक्शंस भी कुछ ना कुछ गाड़ी के अंदर हैं, कुछ गाड़ियों के अंदर ऑटो स्टेयर है, कुछ के अंदर कुछ और फीचर्स हैं। तो इस चीज़ के अंदर ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लैक करती है। आई एम नॉट एग्जैक्टली बैशिंग दिस कार, मगर ये कि अब जाहिर सी बात है गाड़ी थोड़ी सी डेटेड हो गई है कंपटीशन के मुकाबले में। इवन दो प्राइस के अंदर स्पोर्टेज अभी भी कई गाड़ियों को बीट करती है, मगर प्राइस डिफरेंस इतना बड़ा नहीं रहा कि अब वो अपनी जो लैक ऑफ इक्विपमेंट है उसको जस्टिफाई कर सके। अब हम गाड़ी को हम ड्राइव करते हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग आई बीन रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। द फर्स्ट थिंग यू नोटिस इज कि जो हमारे एनालॉग डायल्स हैं बिल्कुल राइट इन फ्रंट ऑफ माई विजन, और बड़े क्लियर हैं, बड़े अच्छे डायल्स हैं इसके। यहाँ पे हमें नीचे पार्किंग ब्रेक जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसको हम रिलीज करते हैं। लेट्स पुट इट इनटू ड्राइव। तो इस गियरबॉक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे मूव करके हम इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, द कार इज मूव्ड इनटू सेकंड गियर, मगर हम इसे वी आर गोइंग टू स्टिक इट इनटू ऑटो। तो ड्राइव मोड हम इसका कर देते हैं नॉर्मल। तो किया ने सबसे सेफ रूट अपनाया है पाकिस्तान के अंदर क्रॉसओवर्स के अंदर, 2000 CC नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, और साथ हमें 6-speed ट्रांसमिशन दिया हुआ है। तो बड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड ये यूनिट है और बड़ी मुनासिब परफॉर्मेंस देता है। कुछ लोग जो हैं जो कि टर्बोचार्ज गाड़ियों उसके आदि नहीं है, ना ही DCT के, तो उनको थोड़ा सा कभी कभार लैग महसूस होता है, तो इस गाड़ी में निस्बतन कम है वो जो लैग की बात है। डाउनशिफ्ट गाड़ी के बड़े अच्छे एंड क्रिस्प हैं। तो रिलायबिलिटी की मैंने आप लोगों से बात की, अब जैसे 24,000 किलोमीटर की गाड़ी चल चुकी है एंड मतलब वर्चुअली गाड़ी ब्रांड न्यू लग रही है, मतलब टाइट एज अ ड्रम, कोई इसमें किसी भी तौर भी गाड़ी को मुझे कोई मसला नहीं नजर आ रहा। तो ये एक रिलायबिलिटी फोर फ्रंट पे तो डेफिनेटली बिग थम्स अप किया। और दूसरा जो उन्होंने इस चीज को जो बैक भी एक और चीज से कर रहे हैं कि दे हैव अ 4-year वारंटी इन पाकिस्तान, 4-year एंड 100,000 किलोमीटर वारंटी, तो वारंटी में भी सबसे आगे हैं किया। ये कुछ चीजें हैं जो एक पीस ऑफ माइंड मिलता है ना, एक पहली बात यह कि किया ब्रांड नेम है और जो हमें 4-year वारंटी है, एंड जो टेक्नोलॉजी भी है गाड़ी के अंदर जो हमें ड्राइव ट्रेन मिली है वो बड़ी एक किस्म की आप कह सकते हैं सिंपल है एंड ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो ये एक पीस ऑफ माइंड एक बायर को बहुत मिल जाता है जो 50 लाख के करीब खर्च रहा है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है। और हमें जो गाड़ी की यूज्ड वैल्यू से भी ये अंदाजा होता है कि दीज आर स्टिल वेरी डिजायरेबल, और सेकेंड हैंड मार्केट में डेफिनेटली इसका एक बहुत स्ट्रांग फुटिंग हमेशा रहेगी। तो स्पोर्टेज पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी एक लैंडमार्क हमेशा रहेगा, क्योंकि पहली दफा
किसी गाड़ी ने जो करोला और सिविक की जो एक प्रीमियम कैटेगरी के अंदर आप कह लें एक जो मोनोपोली थी वो इस गाड़ी ने तोड़ी थी, और ऐसी तोड़ी है कि मतलब तकरीबन हर एक की पहली प्रेफरेंस ये गाड़ी है। तो 154 हॉर्स पावर है और 200 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है। टॉर्क थोड़ी सी फिगर कम है क्योंकि गाड़ी नेचुरली एस्पिरेटेड है, तो ये तो एक्सपेक्टेड है, मगर कहीं से भी गाड़ी मुझे अंडर पावर्ड नहीं लगती। दूसरा जो एक चीज जो मुझे कमेंड करना पड़ेगा गाड़ी का वो इसका ट्रांसमिशन है। मुझे बहुत स्मूथ शिफ्टिंग लगा है और रिमार्केबली क्विक, क्योंकि डीसीटी नहीं है मगर फिर भी गाड़ी के जो अप शिफ्ट हैं वो बड़े क्रिस्प हैं, और डाउन शिफ्ट के अंदर इसका एक डीसीटी की निस्बत एडवांटेज है। अब नॉर्मल मोड पे जा रहे हैं, अब मैंने ये एक्सेलरेशन दी है और साथ ही गाड़ी डाउन शिफ्ट की है, तो वेरी क्रिस्प डाउन शिफ्ट और वेरी फ्री रेविंग इंजन। वी हैव ड्यूल ओवरहेड कैम्स, तो गाड़ी रेव बहुत अच्छा करती है एंड ऑल द वे टू द रेड लाइन गाड़ी बहुत क्रिस्प उसकी फीलिंग है। एंड द ट्रांसमिशन हैज प्लेंटी ऑफ कॉग्स, तो जब डाउन शिफ्ट भी करना हो तो गाड़ी के पास हमेशा एक नया गियर होता है जिसपे वो आराम से डाउन शिफ्ट कर सकती है। एक और चीज जो डायनामिकली गाड़ी बहुत मुझे सरप्राइजिंग लगी है कि कॉर्नर्स के अंदर गाड़ी मुझे काफी एजाइल महसूस हुई है, और अपना वजन मतलब मुझे गाड़ी कहीं से वजनी नहीं लगती और कोई बॉडी रोल ज्यादा महसूस नहीं हो रहा, तो दिस इज क्वाइट निम्बल एक्चुअली। तो सरप्राइजिंग ये एक चीज है क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था गाड़ी से। दिस इज एक्चुअली इज अ वेरी वेरी नाइस कार टू ड्राइव डायनामिकली एज वेल। और जो इसकी सस्पेंशन भी है वेरी वेल डैम्प्ड, और मतलब एक होता है ना कि करोला की तरह मतलब उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट सस्पेंशन नहीं है, तो दिस इज नॉट ओवरली सॉफ्ट, मगर आपको कहीं से अनकंफर्टेबल और स्टिफ नहीं महसूस होती। बॉडी कंट्रोल भी बहुत अच्छा है, और हमारे पास जो डैम्पिंग है सस्पेंशन की वो भी बहुत अच्छी है, तो हम कोई पॉट होल्स या कोई स्पीड ब्रेकरों के ऊपर से जाएं कोई खड्डों छड्डों के अंदर, दिस इज वेरी नाइसली डैम्प्ड, और मतलब गाड़ी बिल्कुल अपना आप छोड़ नहीं देती खड्डे के अंदर लग के, इट फील्स वेरी वेल कंट्रोल्ड। और एक जो एक ऊंचा ड्राइविंग पोजिशन का जो एक एडवांटेज है वो हमेशा रहेगा इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि आई एम सिटिंग अप हायर देन द रेगुलर सेडान्स, नॉट एग्जैक्टली अ कमांडिंग ड्राइविंग पोजिशन जो कि एक ट्रू एसयूवी का होता है इस गाड़ी के अंदर, मगर फिर भी मैं गाड़ी की बाकी गाड़ियों की निस्बत जो मेरी लाइन ऑफ साइट है वो ज्यादा दूर जाती है और ज्यादा मैं ऊपर बैठा हुआ। तो मैंने एमजी भी चलाई है, हालांकि एमजी के डीसीटी होने की वजह से उसको ज्यादा एंगेजिंग होना चाहिए था ड्राइविंग एक्सपीरियंस में, मगर मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे सरप्राइजिंगली आई वुड एक्चुअली प्रेफर द स्पोर्टेज। मेरा ख्याल था कि मैं एमजी की ड्राइविंग एक्सपीरियंस को ज्यादा प्रेफर करूंगा, मगर आई फाउंड दिस टू बी मोर टॉसेबल, और जो एमजी है वो अपना वजन ज्यादा मुझे महसूस करवा रही थी, ये नहीं करवा रही। तो आप भी जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो मैंने बात की ही है क्या किसी और ने भी एक्सपीरियंस की है। अब जब हम नॉर्मल क्रूज कर रहे हैं तो बहुत स्मूथ अपशिफ्ट्स हैं, तकरीबन मुझे अंदाजा भी नहीं है, इवन दो इट इज अ फोर सिलेंडर मगर इट मेक्स अ नाइस नॉइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो जरूर इसको थम्स अप दीजिएगा, और जरूर कमेंट डाउन बिलो अपनी राय का जरूर इजहार करें, और बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है। आई रियली अप्रिशिएट ऑल माई सब्सक्राइबर्स, क्योंकि आप लोग बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, और जहां पे मैं कहीं गलती करता हूं वहां पर आप लोग करेक्ट भी करते हैं, तो ये एक बड़ी मतलब अच्छी चीज है। और मुझे एक चीज पसंद आई है कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और बहुत पॉजिटिव हैं, और जो फीडबैक है वो भी मुझे बड़ा अच्छा आता है, और मुझे मेरा नहीं ख्याल अभी तक एक भी किसी बंदे ने कोई नेगेटिव बात की है या कोई डिस्करेजिंग रिमार्क्स दी हैं, तो मैं इस चीज का आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव, और आपकी कोई अगर बाइंग डिसीजन है या कोई चीज है तो उसमें आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू। तो कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, इंशाल्लाह देयर विल बी मोर वीडियोज कमिंग अलॉन्ग वेरी सून। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।